स्वागत है आपका नर्सेस तैयारी के एक और वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स नॉर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन हमारा प्रोजेस्ट इज सिक्रेटेड बाई तो ऑप्शन है कॉर्पॉफ एलबुक एंड कॉर्पऑस ल्यूटियम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ग्रेफियन सेल्स और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी कॉर्प ल्यूटियम नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ क्रॉइड फ्लैक्स इज दो ऑप्शन है टू प्रोड्यूस ब्लड टू प्रोड्यूस लिम्फ टू प्रोड्यूस सेनल फ्लूड एंड टू प्रोड्यूस इंडो और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस सेनल फ्लूड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज बी एम आर इन केस ऑफ तो डिक्रीज बी एम आर इन केस ऑफ तो ऑप्शन है हाइपोथारोडिजम वॉमिटिंग फीबर डायबिटीज और इसका जो थे थे, ए, राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए हाई नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ओ इनिशिएटेड राइट टू साइट इन इज नेम तो ऑप्शन है विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव विजन ट्वेंटी ट्वेंटी टू विजन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड ट्वेंटी थर्टी और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी विजन ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज तो ऑप्शन हैपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस डी और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्डरली क्लाइंट विथ न्यूमोनिया में अपीयर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स फर्स्ट ऑप्शन है हेमोपटाइटिस एंड स्पिनिया प्लूराटिक चेस्ट पेन एंड कफ फीवर एंड चिल्स अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑफ एंडी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच <laughs> ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल मेकेनिज्म डेट आकर्स इन द लंग पैरमा अलाउड न्यूमोनिया टू डेवलप तो ऑप्शन है एटील क्वेश्चन ही सॉरी क्वेश्चन ही है एटिलेस्टेटिस इफ्यूजन इन्फ्लामेशन और इसका जो ऑप्शन है वह इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डायग्नोसिस डिसऑर्डर तो ऑप्शन इनक्रीज फोर्ट एक्सपराटरी वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथ साउंड एंड एक्सपीरेटरी एंड तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी इंस्पिरेट्री एंड एक्सपिरेटरी बीजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कंडीशन kind of तो ऑप्शन है एम्फाइफीमा क्रोनिक ऑपस्ट्रैक्टिव ब्रोंकाइटिस अस्थमा एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस्रोम ए आर डी एस और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी क्रोनिक ऑप्सिटिस नेक्स्ट क्वेश्चन है डटान पिंक बफर पफर रेफर्स टू द क्लाइंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन तो ऑप्शन है एम क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस ए आर डी एफ अस्थमा और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए एम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन इन द फर्स्ट ट्वेंटी टू फोर टू फोर्टी एट आवर्स आफ्टर सर्जरी ऑप्शन है न्यूमोनिया न्यूमोथोरस ब्रोकाइटिस एटिलेक्सटेसिस और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी एटिलेक्टेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स प्लान केयर फॉर अ क्लाइंट विथ क्रॉनिक ऑस्टेक्टिव पल्मोनरी डिजीज नोइंग डेट द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस वट टाइप ऑफ एसिड बैस इम्बेलेंस तो उसका ऑप्शन है मेटाबोलिक एल्कोलोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मेटाबोलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एफिडोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हैंस्टोमी अंडरस्टैंड क्लाइंट इज मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग विच एफिड बेस्ड डिसऑर्डर ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एफिडोसिस मेटाबोलिक एल्कोलोस मेटाबोलिक एफिडोसिस रेस्पिरेट्री एल्कोलोसिस और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी मेटाबोलिक एफिडोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिव यूज ऑफ ओरल एंटाफिड कंटेनिंग बाई कार्बोनेट कैन रिजल्ट इन विच एफिड बेस डिस्टर्बेंस ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एफिडोसिस मेटाबोलिक एफिडोसिस मेटाबोलिक एल्कोलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी मेटाबोलिक एल्कोलोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है अनर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी विच ऑफ़ द फॉलोइंग नोटेड इन द क्लाइंट वी रिपोर्टेड इमिडिएटली टू द फिजिशियन ऑप्शन है ब्लड स्टिक्ड स्पूटम ब्रोंकोस्पम ड्राई कप हिमेचूरिया और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी ब्रोंकोस्पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ इम्फाइफिमा द्लाइंट इज रिस ऑक्सीजन द नर्फ एस 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 द्लोरेट टू इंसिव डेट इट डज नॉट एक्सीड ऑप्शन है टेन लीटर पर मिनट सिक्स लीटर पर मिनट टू लीटर पर मिनट एंड वन लीटर पर मिनट और इसका जो राइट right ऑप्शन है वह ऑप्शन सी टू लीटर पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ मोटिक डी माई एलिनेशन सिंड्रोम रिजल्ट फ्राम विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन है पॉलीडिस्पिया डिलीट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोन एट्रीमा

और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी फिंड्रोम ऑफ अप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हारमोनफिक्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोनिया ट्रीटमेंट्स इज स्ट्रांग इनिबिटर्स ऑफ सी वाई पी थ्री एंड सच हैज मल्टीपल ड्रग ड्रग तो ऑप्शन है डेमीक्लोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोरोजाइड अवे रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ए लुक डायूरेटिक और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाटोर ग्राफ ब्लड फ्रॉम द रेक्टमली इंडिकेट लोअर जीआई ब्लीडिंग बट मे रिजल्ट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ब्लीडिंग फ्राम इंजेक्शन ऑफ स्मूथ इंजेक्शन ऑफ सप्लीमेंटल आयरन अपर जी ब्लीडिंग विथ रेपिड ट्रांसफिट अप ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइन और इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी अपर जी आई ब्लीडिंग विथ रैपिड ट्रांजिट ऑफ ब्लड थ्रू द इंटेस्टाइन और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच